हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप्राइज ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल गवर्नमेंट ने HP TET की नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी करना शुरू कर दिए हैं, तो ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें मैक्सिमम टीचर्स बनने के लिए काबिल बने। तो उसके लिए हमने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमारे चैनल ने भी कुछ डिटेल्स आपको क्लासेस देना शुरू की हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और साथ ही साथ जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली रोज के रोज जो भी हम HP TET के अपडेट्स निकाल रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो पहले ही आज मैं आपको हिमाचल TET मेडिकल के बारे में जो भी उसका स्कीम है एग्जामिनेशन का और जितना भी डिटेल स्ट्रक्चर है, पैटर्न है पेपर का, वो क्या क्या आएगा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट करती हूँ। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, कौन कौन से टॉपिक्स उसमें आएंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है चाइल्ड साइकोलॉजी और जिसको हम बोलते हैं पेडागोगी, ये आती है आपकी 30 मार्क्स की। इसका मतलब 30 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन क्या लेकर चलता है, एक मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स का चाइल्ड साइकोलॉजी और 30 क्वेश्चंस इसी से आएंगे। सेकंड आपका आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब है हिमाचल प्रदेश की जीके, साथ में आपके करंट अफेयर्स, इंडिया से रिलेटेड, HP से रिलेटेड, कि जो आजकल हमारी गवर्नमेंट में हो ही जा रहा है उस सब के बारे में जनरल अवेयरनेस। ये भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स लेकर चल रहा है, 30 मार्क्स। नेक्स्ट, अब मेडिकल है तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी एंड जूलॉजी मीन्स 60 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स, 60 मार्क्स। बॉटनी और जू से 60 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स लेकर चलेगा, 1 मार्क। लास्ट केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। एक चीज, इन सभी में इसका मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हुए, 150 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो। अब मैं आपको यही बोलूंगी कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जामिनेशन। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैक्सिमम दें ताकि आपको एक तरह से अवेयरनेस मिले कि पेपर में आता क्या है, चाहे वो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने दे दिए हैं उनके लिए भी एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पेपर को द्वारा दें। आज ये तो थी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब चाइल्ड साइको में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस में हमें कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, क्या कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताऊंगी। बॉटनी एंड जू में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, और केमिस्ट्री में भी हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं आपको बॉटनी और जू के बारे में बताती हूँ, जो हमारा मेन स्ट्रीम है बॉटनी एंड जूलॉजी। अब जो मेडिकल का बच्चा है उसको कौन सी बुक्स, कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन, हम पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक्स फॉलो करें। जितना भी हमने 6 से लेकर 12 तक का जो भी पढ़ा है NCERT बुक्स को हम फॉलो करें, तो सबसे पहले हम बॉटनी और जू में 11th और 12th के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो बॉटनी और जू का 11th और 12th का सिलेबस क्या है NCERT का, जैसे बॉटनी और जू में आएंगे चैप्टर्स लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड आपका आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा क्योंकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
फोर्थ सेल, सेल की साइकिल. फिफ्थ बायोमोलिक्यूल्स. सिक्स्थ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट का क्या न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स. सेकेंड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जितनी भी साइकिल्स हैं उनके एंजाइम्स, वो सब रेस्पिरेशन प्लांट्स की, उसके सिस्टम्स, फोटो सिस्टम्स, ये सब. उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑल द सिस्टम्स, कौन कौन से, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो इस, ये सारा सिलेबस आपकी 11th के बुक में मिलेगा. और हम कौन से बुक्स फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, एनसीईआरटी बुक्स. कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स. अगर स्टूडेंट्स हमने टैट की तैयारी करनी है, हम इतनी डेप्थ में चले जाते हैं, लेकिन अगर हमने एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया है तो हमें मैक्सिमम लर्न होगा. अब ये तो था आपका 11th का सिलेबस. 12th का सिलेबस क्या है, इसी के साथ 12th के सिलेबस में हमारी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, फर्स्ट जेनेटिक्स पूरी, जितनी भी जेनेटिक्स हैं. थर्ड इज बायोटेक, उसकी एप्लीकेशंस. एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट. दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ बॉटनी एंड जू. इसमें आपको पूरा सिलेबस जो है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा. ये तो था बॉटनी. इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस. हम आपको हर एक दिन इस सारे टॉपिक्स की एक एक वीडियो रोज शेयर करेंगे. और आपको मैं फिर कह रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे टॉपिक्स आपको डेली अपडेट्स में मिल सके और आपकी तैयारी हो सके. नेक्स्ट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी सेम थिंग है, 11th एंड 12th का सिलेबस है. 11th का सिलेबस कौन सा है, 11th के सिलेबस में हम बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स इसमें भी आएगा. और जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए इसमें जनरली इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. ये तो है, इससे आएंगे कितने क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस. अगर स्टूडेंट मेडिकल में, अगर हमें मार्क्स लेने, हमें मार्क्स कितने चाहिए, 90 मार्क्स. कोई भी बच्चा अगर टैट में क्वालिफाई करना चाहता है उसको 90 मार्क्स चाहिए. अगर हम बॉटनी और जू के 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर लेते हैं और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सही हैं, अगर हमने ये सिलेबस रिवाइज, तो हम आराम से 150 में से 90 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं और टैट का पेपर क्लियर कर सकते हैं. एक चीज और, अगर अपने नंबर्स को बढ़ाना है तो जनरल अवेयरनेस एंड चाइल्ड साइको पे भी हम कंसंट्रेट करते हैं. लेकिन कई बार हम लोगों से चाइल्ड साइको के क्वेश्चंस जो होते हैं वो नहीं सॉल्व होते हैं, जनरल अवेयरनेस भी हम नहीं. लेकिन अगर हमने ये अपना सिलेबस मेडिकल का पूरा पढ़ा होगा तो हम आराम से 90 मार्क्स ले सकते हैं. लेकिन एक ही शर्त पे, बॉटनी, जू और केमिस्ट्री में हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए और पूरी तरह से कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो हम 90 मार्क्स ले सकते हैं, सबसे इजी मेथड. फिर उसके बाद हम 30 और 30 ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली 150 आउट ऑफ 150 भी ग्रैब कर सकते हैं. जिस स्टूडेंट ने ये टारगेट बनाया हो कि मुझे 150 ही लेने, तो पहली चीज तो 90 मार्क्स तो आपके यहीं से बन रहे, 30 और 30 मार्क्स ये आपके हैं, इसमें से आप पूरे लेने की कोशिश करें. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस कैसे आते हैं जनरल अवेयरनेस में, हिमाचल की जीके, पहला ही चीज़ है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश की जीके में क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश की जीके में हिस्ट्री, एचपी में क्या आएगा, हिस्ट्री, एचपी की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है फर्स्ट. सेकंड हमारी आती है एचपी की हिस्ट्री में ज्योग्राफी, हिमाचल की ज्योग्राफी, कहाँ पे, कौन सी जगह पे, क्या फीचर्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, इसके बारे में. देन इसकी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल वैल्यू, पॉलिटिकल व्यू. पॉलिटिकल व्यू मतलब कौन से गवर्नमेंट है, पीछे गवर्नमेंट कब बनी, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब हम इस पॉलिटिकल में पढ़ेंगे. और एक आता है इसका जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, और मिससेलिनियस क्वेश्चंस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन कौन सी चीज़ें, इसको हम कर देते हैं मिससेलिनियस क्वेश्चंस, मिस. ये तो था आपका हिमाचल की हिस्ट्री. इसी से अगर हम जनरल, और एक चीज़ जो जनरल अवेयरनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कौन से होते हैं, एक कब से गवर्नमेंट बनी है, उसने कौन कौन सी स्कीम्स निकाली हैं, रोज़ क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं, कहाँ पे कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए. करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिमाचल. सेम थिंग विद द इंडिया. इंडिया में भी हमें इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो इंडिया की हिस्ट्री क्या है, देखो अगर किसी को जनरल अवेयरनेस याद करनी है तो 6th to 10th की जो बुक्स होती हैं उसमें हिस्ट्री प्रॉपर दी होती है. तो अगर हमें 1857 का रिवोल्ट से लेकर आपका वर्ल्ड वॉर, ये हमें 6th to 10th की बुक्स में आराम से मिलेगा, या 6th to 12th की बुक्स को हम फॉलो कर सकते हैं. तो उसमें हमें इंडिया की हिस्ट्री भी मिलेगी, इंडिया की ज्योग्राफी भी मिलेगी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटिकल वैल्यूज़, कौन सी डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कौन से शेड्यूल्स हैं, जुडिशरी सिस्टम, ये सारा हमें पॉलिटिकल इंडिया का कवर हो जाएगा. उसके बाद करंट अफेयर्स, तो जब से गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाली थी, इस बार की जो गवर्नमेंट है उसने क्या स्कीम्स निकाली है, कौन कौन से हमारे ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम, ये सब कुछ हमें जनरल अवेयरनेस में याद है. और करंट अफेयर्स को लर्न करने के कि सबसे अच्छा तरीका है कि रोज के आज तक चैनल NDTVs वगैरह में हम न्यूज़ को सुन सकें और हम अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकें. ये तो है जनरल अवेयरनेस. चाइल्ड साइको, अब ये तो था आपका जनरल, अब हम चाइल्ड साइको में सोचते हैं. चाइल्ड साइको है क्या, देखो एक टीचर के लिए चाइल्ड साइको का मतलब है, टीचर का मतलब है कि हम चाइल्ड के, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को कैसे जांचना है, कैसे हम चाइल्ड को, हर एक चाइल्ड अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होते हैं, किसी का लेवल बहुत अच्छा होगा, किसी का लेवल, हम चाइल्ड की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. जैसे आपको पता है कि जो भी है एजुकेशन मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड साइको में हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटीज़ कैसे हैं, हम उसको कैसे लर्न करवाएं, उसकी जब वो स्कूल में एंटर किया है उसके बाद उसकी लर्निंग एबिलिटीज़, चाहे वो फैमिली हो चाहे सोसाइटी हो, उसको कैसे मोटिवेट करना है, वो हम चाइल्ड साइको का मतलब है. इट्स अ साइको मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, और चाइल्ड का मतलब है कि बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन सी स्कीम्स निकालते हैं या हम उसको कैसे पढ़ेंगे. तो इसका एक पूरा सिलेबस है जो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करेंगे. अब चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या आएगा, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस ही आएंगे. तो चाइल्ड साइको का मतलब है स्टडी, मैंने अभी बताया था स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड. तो चाइल्ड का बिहेवियर कब से होगा, जब से वो इन्फैंट, जब से वो बॉर्न होता है टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसकी क्या स्टडी हम करेंगे उसके बारे में है. तो जब वो पैदा हुआ है तो सबसे पहले उसकी लर्निंग होती है फैमिली से, लर्नर, ही बिकम्स लर्नर, वो लर्नर बनेगा. तो उसकी फैमिली, स्कूल एंड द सोसाइटी, ये तीन कंसेप्ट है जिसमें चाइल्ड की डेवलपमेंट, पहली चीज़ हम देखेंगे चाइल्ड की ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसमें फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग. मतलब जब चाइल्ड की डेवलपमेंट शुरू हुई है फ्रॉम, अब आपको ये पता होना चाहिए इन्फेंट एज जो होती है वो 0 to 1 years, 1 year के बाद वो लर्न करना शुरू कर देता है. तो उसकी जो भी डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ क्या है, कि उसने क्या, वो कितनी जल्दी, वो एक्टिवनेस कितनी जल्दी दिखा रहा है. फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिट्री एंड एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिट्री एंड एनवायरनमेंट का मतलब हेरिडिट्री क्या होती है, मतलब उसकी पुरानी जो जनरेशन्स है, मतलब उसने क्या लर्न किया है, उसकी जो वेरिएशंस है वो घर से क्या सीख रहा है, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है उससे क्या डेवलपमेंट उसके अंदर हुई है, वो इट्स अ हेरिडिट्री. और उसके बाद उसने उस हेरिडिट्री को एनवायरनमेंट से क्या रिलेशंस शो करना है, कि मतलब एनवायरनमेंट से वो बाहर आकर क्या लर्न कर रहा है. तो वो उसमें चाइल्ड से हम उसकी लर्निंग एबिलिटी देखेंगे. नाउ सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सोसाइटी,
पहली चीज तो वो फैमिली के अंदर था, तो फैमिली में उसका बिहेवियर क्या था, जब उसको सोशलाइजेशन वर्ड में लाया, मान लो जैसे एजुकेशन में डालते हैं, स्कूल में डालते हैं, तो उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ हुआ है, सोसाइटी के साथ हुआ है, तो उसको सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको डिवेल्प करना है सोशलाइजेशन प्रोसेस, उसमें सोसाइटी के साथ वो कैसा बिहेव करता है, तो वो हम पढ़ेंगे। पियाजेट, व्योक्साय एंड कोहलबर्ग थ्योरीज, कई बार चाइल्ड की लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से कई थ्योरीज आई, कईयों ने अपने कंसेप्ट्स दिए हैं कि क्या बच्चा जब डेवलप करता है तो उसकी लर्निंग एबिलिटीज हम उसको कैसे लर्न करवा सकते हैं। दीज आर द थ्योरीज जो ये डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट थे, पियाजेट, व्योक्साय, फ्रिबल, थॉर्नडाइक, इन सब की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज हैं जिसके बेसिस पे हम चाइल्ड की साइको पढ़ सकते हैं। फिर है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड, अपने आप अपनी धुरी में ही घूमते हैं, तो उसको सोसाइटी से कैसे हमने उसको लिंक करना, उसकी डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे चाइल्ड के थिंकिंग के बेसिस पे, सो ये नहीं कि हम उस पर अपनी थिंकिंग डाल दें, मतलब चाइल्ड की थिंकिंग क्या है, वो कैसे लर्निंग, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसके बाद हम चाइल्ड के बेसिस पे सोच के उसको कैसे लर्न करवा सकते हैं। इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज, इंटेलिजेंस का मतलब है अब कई हर बच्चे का अपना दिमाग होता है, तो इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसमें हम IQs पढ़ेंगे कि हर बच्चे का जो IQ लेवल है उसके हिसाब से हम चाइल्ड को पढ़ाएं या कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल थ्योरीज होती हैं, ये जरूरी नहीं कि चाइल्ड को हमने एजुकेशन से ही रिलेट करना, कई बार मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे कई बच्चे हमने देखे हैं पढ़ने में ढीले होते हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, उनकी लॉजिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, कई बार उनके जेस्चर्स बहुत होते हैं, काइनेस्टिक जितना भी है, इंटरडायमेंशनल्स, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे को ऑलराउंड कैसे बनाना है। एजुकेशन मींस ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड साइको का मतलब है कि हम एक चाइल्ड का बिहेवियर पढ़ें, उसके बाद हम उसके ये थ्योरीज पढ़ेंगे ताकि हम चाइल्ड को ऑलराउंड डेवलपमेंट उसकी कर सकें। फिर है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कंस्ट्रक्शन, कि अब जब हमने सोसाइटी में डाल दिया तो उसको उसके हिसाब से उसकी डेवलपमेंट करना। सबसे पहला है जेंडर एंड जेंडर बायस, इसको समझो, जेंडर का क्या होता है, अब सोसाइटी में देर आर मेल्स एंड फीमेल्स, देर आर डिफरेंट सोसाइटी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जेंडर जेंडर बायस का मतलब है डिस्क्रिप्शन ना देना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर कोई बच्चा वीक है, वीकर सेक्शन का है, कई बच्चे जैसे डिफरेंट कास्ट क्रीड्स के होते हैं तो उनमें ये नहीं कि ये कास्ट क्रीड का है तो हम उसको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, मतलब एक इंसान, हर एक बच्चे को सोसाइटी के अकॉर्डिंग जेंडर बायस के बारे में कि क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जेंडर मेल एंड फीमेल, बाकी जो कास्ट क्रीड जितना भी होता है उससे रिलेटेड कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है चाइल्ड की साइको पे, वो सारा हम पढ़ेंगे। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हम उस चीज़ को, जो भी स्टूडेंट है या जो भी बच्चा है उसके बिहेवियर को, उसको एजुकेशन में क्या है, अगर जैसे मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के साथ क्रिएटिविटी भी आती है, अगर वो इंटेलिजेंट पढ़ाई में भी है तो हो सकता है वो क्रिएटिविटी में भी अच्छा हो, तो उसकी डिफरेंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या है वो पढ़ेंगे। अब आती है असेसमेंट, देखो जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो हम उसको असेस भी करेंगे, तो असेसमेंट का जैसे मैंने बोला सीसीई पैटर्न, जिसमें आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट, हम चाइल्ड को जब स्कूल में लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी फॉर्मेटिव रोज उसके टेस्ट लेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, उससे रिलेटेड उसकी टेस्ट जो होगा वो आ गया आपका फॉर्मेटिव। सबमिटिव असेसमेंट में क्या होता है, जब हमने सारा पढ़ा लिया तो उसकी इवैल्यूएशन कब करते हैं, जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसका रिजल्ट, उसने कितना लर्न, तो जितना भी हम चाइल्ड साइको में पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ याद रखिए, लर्निंग मतलब हम एक स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटीज़ क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ा रहे हैं, और हमारा बिहेवियर भी चाइल्ड के साथ कैसा है वो सब हम इस इसमें पढ़ेंगे। फिर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्नर्स अचीवमेंट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या, कई बार आपने देखा होगा क्रिटिकल थिंकिंग में कि अगर कई बार एक बच्चा क्लास में पढ़ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है हमें क्या कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग, हम उस चाइल्ड की क्रिटिकल थिंकिंग मतलब उसके साथ फ्रेंडली उसको मोटिवेट करें ताकि वो लर्न करे, तो वो सारी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में आएगी, और ताकि हम लर्नर्स अचीवमेंट मतलब कि स्टडी के साथ साथ उसकी जो आउटसाइडिंग अचीवमेंट्स है उसके बारे में पढ़ें। चाइल्ड बैकग्राउंड, चाइल्ड बैकग्राउंड का मतलब होता है कि चाइल्ड की इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि जैसे
चाइल्ड की बैकग्राउंड कई पुअर सेक्शंस के होंगे, कई रिचर सेक्शंस के होंगे, कई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे होते हैं, कई डेलिक्वेंट बच्चे होते हैं, कई एबनॉर्मल इस तरह के बच्चे, लेकिन जब हम उसको एक क्लास में डाल रहे हैं तो अगर एक डेलिक्वेंट चाइल्ड है तो डेलिक्वेंट चाइल्ड को हम कैसे पढ़ाएंगे? उसकी जो उसकी लर्निंग एबिलिटी है हम उसके लिए स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं। कई जैसे आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेशन में कई डिफ होते हैं, डम्ब होते हैं, तो उन सबको पढ़ाने के लिए हम उसके लिए स्पेशल एजुकेशन जो हैं वो लगाएं, वो सब हम चाइल्ड बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो ये सारा जो कंसेप्ट था वो था चाइल्ड साइको का। आज मैंने आपको क्या बताया, एक स्कीम बताई है HP TET मेडिकल की, जिसमें क्या क्या हम टॉपिक्स लेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है और चाइल्ड साइको में हम क्या पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हमारा टैट का पेपर होता था, हमें यही नहीं समझ आता हमें पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। आज इस प्रेपराइज चैनल ने आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये हमारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो उसके बाद हम रोज आपको एक एक अपडेट देंगे, एक एक लेक्चर देंगे, ताकि आप रोज उस चीज़ को पढ़े और आपका टैट का पेपर क्लियर हो जाए। ये हमारे लिए भी अच्छी बात होगी कि हमारे चैनल ने आपके लिए एक टैट के पेपर को आपके लिए इजी बनाया। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन को दबाइए और रोज के रोज हमारे अपडेट्स लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।